जिस जगह को आप फिलहाल देख रहे हैं ये है प्रताप नगर चौराहा। यहाँ से जो घटनास्थल है मालदा स्ट्रीट, जहाँ पर कल उस मर्डर को अंजाम दिया गया, वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर पहले से ही लोगों का रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ थोड़ी देर पहले एक युवक को पकड़ा गया और उसे मारना शुरू कर दिया भीड़ ने अचानक से। उसे मारने की वजह ये थी कि लोगों को ये शक था कि वो व्यक्ति हिंदू नहीं है। उससे उसकी आईडी मांगी गई, जब वो आईडी देने में नाकामयाब रहा तो देखिए किस तरह से उसे पीटने लगे लोग और उसे सवाल करने लगे। उसे घेर लिया गया पूरी तरह से और जो भी आ रहा था, जो जिस किसी को मौका मिल रहा था वो उसे मारने पर तुल रहा था। उस युवक का केवल इतना कहना था कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टेम्पो नहीं मिल पा रही है बंद होने के कारण जाकर परीक्षा देने के लिए, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और इस तरह से फिर घटने को अंजाम दिया गया। वहाँ पे साइकिल से आदमी पैदल आ रहा है, वहाँ उसके एग्जाम है ठीक ली, हम टेम्पो वेम्पो मिल नहीं रहे हैं उसे, एग्जाम है। तो हम फिलहाल जो घटनास्थल है जहाँ पर उदयपुर में कल बहुत भयावह तरीके से मर्डर हुआ, उसके 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप के पास हैं। ये पेट्रोल पंप अभी से 2-3 मिनट पहले तक चल रहा था, खुला हुआ था, यहाँ पर ट्रक थी, लेकिन अगर मदन जी आपको दिखाएंगे तो कुछ कार्यकर्ता जो अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचे। इनका आगे चौराहे पर जाकर टायर जलाने का भी प्लान है और जैसा कि इन लोगों से हमें पता चला है कि बाकी हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर उदयपुर में आज प्रदर्शन करने वाले हैं और मार्केट को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ पर भी ये कहकर पेट्रोल पंप बंद करवाया गया कि आप हिंदू हो, आपको हिंदू का समर्थन करना चाहिए, और ये कहकर अभी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट्स इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।